दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपनी कैनन का जो बड़े प्रिंटर होते हैं उससे आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए आपका दो प्रिंटर है और एक प्रिंटर ख़राब हो गया, तो आप लोग चाहते हो कि छोटे प्रिंटर तो ख़राब हो गया, बड़े प्रिंटर से प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो। जो प्रॉब्लम वो नंबर वन, आप लोग जब चाहते हो कि बड़े प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो लेकिन बड़े प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं निकल पाते हो, तो आप लोग इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग कैसे उसी प्रिंटर से प्रिंट आउट कैसे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे छोटे से इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इसे डाउनलोड करते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले आप लोग एक ब्राउज़र ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इधर आप लोगों को डाउनलोड टाइप करना है, गूगल टाइप करना है। गूगल टाइप करने के बाद आप लोग इधर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। आप सिंपली उस लिंक को क्लिक करके आप सीधा इधर डायरेक्ट आ सकते हो। तो इस लिंक को मैं इधर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले मेरा जो एक वेबसाइट आ गया, इस वेबसाइट में आप घुस जाइए। इसके अंदर जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्राइवर सॉफ्टवेयर एंड बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो इधर आप लोगों को सिंपली इधर अपना जो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों को चूज़ करना है। आपका जो भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उधर चूज़ करके सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है 8.164 बिट, तो मैं इधर चूज़ कर लिया है। मैंने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपका। अगर नहीं डिटेक्ट करता है तो आप उधर उसको दे दीजिए, अपना जो भी कंप्यूटर का जो है आप उधर सिलेक्ट करके दे दीजिए। फिर आप लोगों को दूसरी एक ऑप्शन मिल जाएगा इधर, टाइप्स वॉल टाइप्स, मतलब कि मुझे वॉल टाइप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ड्राइवर चाहिए क्योंकि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे ड्राइवर चाहिए। आप लोग सिंपली ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों को मिल जाएगा ड्राइवर लैंग्वेज। तो सिंपली आप इधर ड्राइवर लैंग्वेज, मैं इंग्लिश में चाहता हूँ तो मैं इधर इंग्लिश सिलेक्ट कर दूंगा। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया तो एक ऑटो रिलोड ले लेगा। आप सिंपली रिलोड करने देना। और फिर आप लोगों का जो मॉडल है आप इधर ऊपर सर्च कर सकते हो। तो मेरा मॉडल है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा मॉडल जो है, मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप भी आप किसी भी मॉडल इधर आप किसी भी कैनन का जो मॉडल होगा आप इधर चूज़ करके आप सिंपली इधर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए देख लेते हैं मेरा ड्राइवर आता है कि नहीं, देखता हूँ मैं आता कि नहीं, मैं देखता हूँ। तो मेरा आ गया है इमेज रनर जो है मेरा, ये आ गया है, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में देखिए इधर सर्च का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली इधर सर्च करिए। सर्च करने के बाद इधर नहीं आ रहा है एक, चलिए फ्रेंड्स एक आ गया है इधर इमेज रनर का जो है एक सॉफ्टवेयर आ गया है। मैं सिंपली सॉफ्टवेयर पर क्लिक करता हूँ। सिलेक्ट क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इधर आप कोई सा भी आप इधर रिमोट ऑप्शन ऑपरेशन व्यूअर आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, आपका जो भी आप इधर चूज़ कर लीजिए पहले। चूज़ करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो है 3 MB का जो फाइल है सबसे पहला जो आता है उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं इसे डाउनलोड करूँगा। इधर सिंपली इधर आप लोगों को दिख गया होगा सामने डाउनलोड का ऑप्शन में है, आप इस सिंपली डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक कीप का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली कीप कर दीजिए। आपको जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो गया है, आप सिंपली इसे भी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद वो जो सॉफ्टवेयर है आप उसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद एक दूसरा फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर बनाने के बाद आप इधर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अब इसे रन करना है अपनी कंप्यूटर में। तो मैं जिस रूल्स का फॉलो कर रहा हूँ आप भी उस रूल्स का फॉलो ज़रूर करिएगा, तभी आप लोग का आप लोग प्रिंट कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग कट करके देखोगे तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसे लेफ्ट क्लिक करके इधर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। आप
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद इधर आप लोगों को येस दिख रहा होगा, आप सिंपली येस कर दीजिए। येस करने के बाद एक ऑप्शन आपको आ जाएगा, आपका कंप्यूटर आपका जो फाइल है वो सिलेक्ट हो गया, आप प्रिंट आउट आप कर सकते हो। तो चलिए दिखा देते हैं कि आप लोग कैसे प्रिंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। वो हो गया आपका सॉफ्टवेयर रन हो गया, 3 MB का सॉफ्टवेयर रन हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे ए पेज मुझे प्रिंट आउट करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल पी कर दीजिए और आपका प्रिंट आउट इधर आ जाएगा, आप इधर शो होगा प्रिंट आउट, इधर ज़रूर शो होगा, देख लीजिए इधर प्रिंट आउट शो होगा। सॉरी मैंने अभी प्रिंट आउट प्रिंट कनेक्ट नहीं किया है इसलिए प्रिंट आउट इधर नहीं आ रहा है। आप लोग प्रिंट कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद आप लोग इधर प्रिंट आउट का जो नाम है वो आप लोग इधर चूज़ करके सिलेक्ट करके आप सीधा प्रिंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की इस वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।